उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। जी हां, बड़ी खबर, केंद्र सरकार के मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क जाएंगे, जिसमें रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, यूक्रेन से आसपास से सटे ये देश हैं जहां पर केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो भारतीय छात्रों को सुरक्षित लाने के लिए बात करेंगे कानून मंत्री किरण रिजिजू। हरदीप पुरी विदेश जाएंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनरल वीके सिंह भी विदेश जाएंगे। तो यूक्रेन और रशिया का ये जो जंग का संकट है, ये लगातार गहराता जा रहा है और इस जंग के इस संकट काल में सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि जो वहां पर भारतीय छात्र और भारतीय लोग वहां पर जो फंसे हुए हैं, उनको वापस लाना भारत सरकार की प्राथमिकता है और अपनी इस प्राथमिकता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर जाहिर करते रहे हैं। चाहे वो बात राष्ट्रपति पुतिन के साथ फोन कॉल के दौरान अपनी प्राथमिकता बताना हो या फिर समय समय पर अपने गंगा अभियान के तहत यह जता देना हो कि भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है और भारत सरकार का मकसद यही है कि जो यूक्रेन और रशिया के बीच में ये जो संकट काल बना हुआ है, ये जो लड़ाई चल रही है, ये जो जंग चल रही है, इस संकट काल के बीच में भारतीय छात्रों को, भारतीय लोगों को, भारतीय नागरिकों को वापस अपने स्वदेश सकुशल लाया जा सके। हालांकि एक डाटा भी सामने आया कि 1100 से ज्यादा छात्र और लोग स्वदेश लौट चुके हैं और एक के बाद एक फ्लाइट यूक्रेन के आसपास से सटे देशों के पास जा रही है, वहां से लोगों को, वहां से छात्रों को एयरलिफ्ट करके भारत वापस ला रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया है और बड़ा फैसला आप ये लगाइए कि ये दिखाने के लिए काफी है, ये बताने के लिए काफी है कि भारत सरकार पूरी तरह से न केवल एक्टिव है, पूरी तरह से सीरियस भी है इस मैटर को लेकर, इस केस को लेकर। तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग डेटा है कि वहां पर कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भारत सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि भारतीय छात्रों को, भारतीय लोगों को वहां से सकुशल सही सलामत लाया जा सके और एक के बाद एक फ्लाइट जा रही है और एयरलिफ्ट करते हुए वहां पर फंसे भारतीयों को वापस लाने का काम कर रही है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है कि जो आसपास से सटे हुए यूक्रेन के जो देश हैं वहां पर केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, केंद्र सरकार के मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क जाएंगे जिसमें रोमानिया, हंगरी और पोलैंड शामिल है। तो इन तीन देशों में जो यूक्रेन के आसपास से सटे हुए हैं वहां पर केंद्रीय मंत्री जाएंगे, भारतीय छात्रों को सुरक्षित लाने करने की बात भी करेंगे, जिसमें कानून मंत्री किरण रिजिजू, हरदीप पुरी विदेश जाएंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनरल वीके सिंह भी विदेश जाएंगे। तो भारत सरकार ने अपना जो गंभीरता का परिचय है, जो गंभीरता की वानगी है, एक बार फिर से बतलाने समझाने की कोशिश की है कि भारत सरकार इस मसले पर, खासतौर पर इस पॉइंट पर कितनी सीरियस है। हमारे जो सहयोगी हैं करण खुराना न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। करण खुराना, भारत सरकार समय समय पर ये जाहिर करती रही है कि हम इस मैटर को लेकर और खास तौर पर इस पॉइंट को लेकर, जो वहां पर भारतीय छात्र, भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं, उनको स्वदेश लाया जा सके। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक करके ये एग्जाम्पल सेट किया है। जी बिल्कुल, रूस और यूक्रेन में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, पीएम मोदी खुद लगातार इस घटनाक्रम को जो है लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और सरकार की सबसे बड़ी चिंता जो है भारतीयों को लाने की है। तो इसी कड़ी में आज फिर पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो है आज बैठक हुई। इससे पहले भी जो है बैठक लगातार पीएम मोदी कर चुके हैं और केंद्रीय मंत्रियों को जो है बड़ा फैसला जो इस बैठक में लिया गया, चार केंद्रीय मंत्रियों को जो यूक्रेन से सटे देश है वह भेजने का लिया गया और इन सबकी ड्यूटी लगाई गई है जो भारत, जो भारतीय फंसे हुए यूक्रेन में उनको लाया जाए, क्योंकि प्लेन तो भेजे जा रहे भारत सरकार की तरफ से लगातार, लेकिन जो संख्या आनी चाहिए छात्रों की, कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या
प्लेन को जो है कभी कभार खाली हाथ भी जो है वापस लौटना पड़ रहा है, तो तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते चार मंत्रियों की जो है ड्यूटी लगाई गई है कि भारतीय जो छात्र है उनको सुरक्षित निकाला जाए, और इसमें कहीं ना कहीं तेजी जरूर देखने मिलेगी, क्योंकि 20,000 से ज्यादा छात्र फंसे हुए थे, और अगर इसी स्लो, क्योंकि जितनी स्लो से काम हो रहा था, रोजाना जो है 200-400 जो छात्र आ रहे थे, अगर इस गति से छात्र आते तो कहीं ना कहीं देरी हो जाती और कई छात्रों की जो है ना चाहते हुए भी जो है डेथ हो सकती थी। इसके चलते जो है केंद्रीय मंत्रियों की जो है ड्यूटी लगाई गई है, और ये कहीं ना कहीं सरकार की एक्टिवनेस को दिखाता है, और ये केंद्रीय मंत्री जो है क्या कहते हैं ये सभी छात्रों को लेकर आएंगे। और इस बीच बड़ी खबर ये भी है कि बेलारूस जो है रूस के समर्थन में आ गया, यानी कि रूस के समर्थन में अपनी सेना जो है बेलारूस भेज सकता है, ये खुद अमेरिका ने दावा किया है। और वही जो है, जबकि बात करूं यूक्रेन के राष्ट्रपति की, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक सनसनीखेज दावा किया है कि रूस के जो राष्ट्रपति है वो मुझे मारना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो तनाव है वो काफी चिंताजनक बने हुए थे, जिसको देखते हुए पीएम मोदी लगातार बैठक कर रहे थे, और इस बीच ये बड़ा फैसला लिया गया। जी, चूंकि कल करण यहाँ पर ये खबरें भी सामने आ रही थी कि दोनों देश आमने सामने होकर एक बातचीत की टेबल पर आए और इस मुद्दे को लेकर बातचीत करें ताकि इस मसले का निपटारा हो सके, लेकिन ऐसी कोई संभावना लग रही है कि ये जो जंग है वो कम होती जा रही हो, या फिर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है दोनों देशों की तरफ से, क्योंकि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन कोई ऐसा फैक्टर? जी, बातचीत को लेकर देखिए, जहां तक मैं जानता हूं रशिया ने यूक्रेन को बातचीत का प्रस्ताव जरूर भेजा था, लेकिन यूक्रेन ने जो उसे ठुकरा दिया था। यूक्रेन का कहना था कि हम बेलारूस में बातचीत नहीं करना चाहते, अगर कोई और दूसरी जगह हो तो हम जरूर बातचीत करेंगे। बातचीत को लेकर तमाम तरह की ऐसी खबरें आ रही है, साथ ही रशिया इसके साथ एक डिमांड भी कर रहा है कि अपने सैनिकों को बोलो कि वो हथियार डाल ले, जिसमें यूक्रेन जो है हथियार डालने के, यूक्रेनी सेना जो है वो हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो है जो बीच का रास्ता है वो नहीं निकल पा रहा, और लगातार जो है रशिया की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, और इसमें जो है आम नागरिक भी बड़ी संख्या में जो है मर रहे हैं, और कहीं ना कहीं रशिया की जो है सैनिक भी बड़ी संख्या में जो है मारने का दावा यूक्रेन कर रहा है। ठीक है करण, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी।